हेलो हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे आप सभी? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम छोटी छोटी चीजों के बड़े बड़े राज खोलते हैं और बताते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें जो आपके ऑलरेडी घर में होती हैं वो कितनी फायदेमंद होती है, जो आपकी हेल्थ को बिल्कुल हेल्दी रखती है, आपकी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखती है और आपको हेल्दी रखती है। तो आज भी हम ऐसी एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये तो सभी सूखी मेवों का सेहत के लिए बहुत ही अच्छा सेवन होता है, पर उनमें से जो अखरोट है उसको सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर उसे अपनी रोजमर्रा की डाइट में आप शामिल करेंगे तो वो हर किसी के लिए लाभदायक होगा। अखरोट में हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और इसे ब्रेन फूड भी कहा जाता है। तो आज हम इसके बहुत सारे फायदे बताने वाले हैं जिससे आप इनको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें। और वो फायदे क्या है उसको जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो लाइक करिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अखरोट ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रखने में मदद करता है। ब्रेन फूड होने के नाते ये याददाश्त के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन बी और फोलेट्स याददाश्त के लिए बढ़ाने में मददगार होते हैं। अगर दिल की बीमारियों की बात करें तो अखरोट में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड शरीर में खून के थक्के जमने से रोकता है। इससे हृदय रोग का खतरा भी कम हो जाता है। इसमें मौजूद अल्फा एसिड शरीर में खून के थक्के को जमने से रोकता है जिससे हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। साथ ही जिन्हें किसी भी प्रकार की दिल संबंधी समस्या होती है उनके लिए ये भी बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही एक शोध के मुताबिक जो महिलाएं हफ्ते में 2 बार 28 ग्राम अखरोट खाती हैं उन्हें डायबिटीज होने का खतरा भी कम हो जाता है। दिन में 2 या 3 अखरोट का खाना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट में विटामिन के साथ साथ प्रोटीन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड अर्थराइड्स के जोखिम को भी कम करने में मदद करते हैं। इसमें जिंक, मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि वजन कम करने के साथ साथ ये एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है। सर्दियों के मौसम में बालों में रूखापन अगर होता है तो आप ऐसे में अखरोट का तेल बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अखरोट के तेल में कपूर और नीम के पत्तों को मिलाकर गर्म करके नियमित रूप से मसाज करनी है और आपकी जो डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे फायदे हैं अखरोट के। अगर आप नहीं खाते हैं तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से ऐड कीजिए और बताइएगा कि क्या फर्क देखने को मिला। ऐसी वीडियोस लेकर मैं आती रहूंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और ऐसी वीडियोस कर करिए थोड़ा थोड़े टाइम इंतजार, क्योंकि हम तो आएंगे ही और आपको बहुत सारे फायदे बताएंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। चलो बाय।